नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आज मां वैष्णो धर्मशाला दंत धावन कुंड अयोध्या धाम में दोपहर 12 बजे अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता में अध्यक्ष नंद कुमार गुप्ता ने भक्ति पथ एवं राम पथ कार्य योजना के संबंध में कहा कि जिलाधिकारी संघ समन्वय बैठक में भक्ति पथ की चौड़ाई 13 मीटर, राम पथ की चौड़ाई 20 मीटर तय होने के बावजूद भक्ति पथ पर 14 मीटर लिया जा रहा है एवं राम पथ पर 24 मीटर की मुनादी कराई जाना प्रशासन की वादा खिलाफी है। प्रशासन भक्ति पथ पर गैर कानूनी रूप से DPR से ज्यादा कई जगह जमीन अधिग्रहण कर रहा है। राम नारायण मौर्य ने कहा, जब कार्य योजना सहमति के आधार पर कराना तय हुआ है तो जन्मभूमि बाजार के दुकानदारों से अभी सहमति ना बन के बावजूद प्रशासन डरा धमका कर आधार पासबुक सहमति हासिल करने का प्रयास कर रहा है। मना करने पर जबरन उपरोक्त बाजार को सील कर दिया गया, नया वैकल्पिक दर्शन निकासी मार्ग खोल दिया है जिससे हम लोगों की जीविका पर संकट आ गया है। प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ जन्मभूमि बाजार के व्यापारी गण 17 नवम्बर को लखनऊ पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री योगी से मिलकर अपनी पीड़ा कहेंगे। राम पथ को 20 मीटर बैठक में तय हुआ था, 20 मीटर के बाद इनका प्रचार 24 मीटर लेने का इरादा है जो पूर्णतया गलत है। 6 वर्ष हो गया, इन्होंने मुआवजा की राशि जो इनकी धनराशि, इनका कहना है कि जो धनराशि पुराना सर्किल रेट था उसी के आधार पर दे रहे हैं। 6 वर्षों से इन्होंने सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया, जो सरकार जो व्यापारियों के अंदर आक्रोश है। पत्रकार बंधुओं, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नए सर्किल रेट के हिसाब से व्यापारियों को पैसा मुहैया कराई जाए और 20 मीटर ही राम पथ की चौड़ीकरण किया जाए, बाकी जितना बचता है इनको शुद्ध बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए दुकान की व्यवस्था बनाई जाए जिसका किसी प्रकार का अवरोध न पैदा हो। इसमें प्रशासन को मदद करनी चाहिए। जहां तक राम गुलेला की बात है, राम गुलेला के व्यापारी आशंकित हैं, डरे हुए हैं। इनको किसी तरीके से दुकान जो सरकार ने बनाई है आवंटन कर दिया जाए जिससे यह दुकान अपना सुरक्षित ढंग से चला सके। राम पथ में बार बार कहा गया कि 20 मीटर ही लिया जाएगा, पत्र पेपरों के माध्यम से 20 मीटर बताई जा रही थी, कई एक हफ्ते से 20 मीटर का पेपरों में ऐलान भी हो रहा है, प्रशासन के साथ बैठक भी हुआ था, लेकिन प्रशासन द्वारा 2 दिनों से बाकायदे लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि 24 मीटर लिया जाएगा, जो घोर निंदनीय है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस तरीके से बैठक में तय हुआ था उसी प्रकार से दुकानदारों को 20 मीटर के पर ये अपने रवैये पर कायम रहे और सर्किल रेट को बढ़ा करके सारे व्यापारियों को एक उचित मुआवजा दिया जाए। जबकि हरिद्वारी बाजार से हनुमानगढ़ी तक, राम जन्मभूमि तक जितना पैसा दिया गया लोग बताते थे उससे ज्यादा इसका डबल पैसा मुख्य मार्ग पर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन दोहरी चरित्र चल रहा है जो घोर निंदनीय है। मैं आपसे माध्यम से, मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि भव्य मंदिर बने। मैं आरोधक नहीं हूं, मैं बाधा नहीं बनना चाहता हूं, सुंदर स्मार्ट सड़क बने लेकिन व्यापारियों को भी ख्याल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।